हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। कोरोना केसों में बढ़ने पर प्रदेश भर में हरियाणा रोडवेज के सभी डिपो के 614 ड्राइवर अब स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट पर सेवाएं देंगे। इस बारे में स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हरियाणा के डायरेक्टर ने सभी रोडवेज डिपो के जीएम को पत्र लिखा है, जिसमें 614 ड्राइवरों की सूची तैयार करने को कहा गया है। इसके बाद इन ड्राइवरों को डेपुटेशन पर 28 फरवरी तक स्वास्थ्य विभाग में भेजा जाएगा। दरअसल यह फैसला कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। सरकार को आशंका है कि आने वाले दिनों में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होगा। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट पर अतिरिक्त ड्राइवरों की आवश्यकता होगी, इसलिए रोडवे डिपो से 614 ड्राइवर स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देंगे। हालांकि इन ड्राइवरों को वेतनमान संबंधित रोडवेज डिपो से ही मिलेगा। रोडवेज जीएम जल्द ही ड्राइवरों की सूची तैयार कर संबंधित सीएमओ को उपलब्ध करा देंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।